नमस्कार दर्शक बंधु, लाटेस्ट जॉब्स ओडिशा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज नियुक्ति सूचना रही आरपीएफ एवं कांस्टेबल एसआई वैकेंसी 2024। दर्शक बंधु, रेलवे डिपार्टमेंट रे कांस्टेबल आउ एसआई रो नियुक्ति प्रकाश पाई। इंडियन रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल डिपार्टमेंट 2024 को ऑनलाइन रे आवेदन करिवाको हबो। 4660 पोस्ट रो वैकेंसी बहुत बड़ वैकेंसी रिलीज होई। इंडियन रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ आपण मानी सुवर्ण सुजोग नहीं आसी कांस्टेबल एवं एसआई पदवीपाई आपण मैंने आवेदन करने को चाहते तो भिड लास्ट पर्सन जोड़ी हुई रुहतु जहाद्वारा आपण मैंने जापरिवे आपण बयस सीमा कौन रहा दरकार, शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार, सालरी के आपण मानी इंपोर्टेंट डेट कौन रही, इंपोर्टेंट नोट कौन रही, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंटर आवश्यकता जदि आपल आवेदन करेंगे, आपणकर पोस्ट वैकेंसी डिटेल्स जापरिवे और शेष जानवे आपण मैंने किपर आवेदन करेंगे। दर्शक बंधु, चैनल रे गवर्नमेंट जॉब रो अपडेट विषय रे प्रकाश करा जाय थाए। आपण माने जदि कोनोसी गवर्नमेंट जॉब विषय रे प्रथम नोटिफिकेशन पाइबा को चाहौचंती ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखथांतु, जा फल रे आपण माने नुआ नुआ गवर्नमेंट नियुक्ति विषय रे जानि परबे। वर्तमान आपण मान को मुने यासिछि यार ऑफिशियल वेबसाइट को इंडियन रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2024 रो डिटेल्स रे जानिया पूर्वरो आपण माने जदि एही पेज रे पहुचिबा को चाहौथांती ताहाले आपण देखथवा वीडियो रो तळे थिबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार प्रथम लिंक टी दिया जायछि, आपण माने सेठारे क्लिक कले आपण माने मध्य एही पेज रे पहुचि परिबे। संगठकक नाम होछि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। टाइप ऑफ जॉब होचे परमानेंट टाइप रो जॉब, जॉब कैटेगरी आसुचे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो सब बंधु देखो यहाँ के आवेदन करेंगे, आम भारत समस्त कैंडिडेट यहाँ आवेदन करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भारत ही रही है, लास्ट डेट 14 मे 2024 रही। जेंडर रे उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी आवेदन करेंगे। आरपीएफ रिक्रुटमेंट 2024 रो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर रे जानिया पूर्वर प्रथम आम देखे ना शिक्षागत योग्यता कौन रहा दरकार। दर्शक बंधु, जदि आपण मैंने सब इन्स्पेक्टर पदवीपाई आवेदन करने को चाहते तेल आपण मैंने जेकोसी रेकग्नइजड यूनिवर्सीटर बैचलर डिग्री टीए मैंने प्लस थ्री टीए करते निहाती भाव में आपण मैंने आवेदन करेंगे। जदि कौन स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कमर्स जेकोसी स्ट्रीम जदि प्लस थ्री टीए करते आपण मैंने सब इन्स्पेक्टर एसआई पदवीपाई आवेदन करें। जदि आपण मैंने कांस्टेबल पदवीपाई आवेदन करने को चाहते तेल आपण मैंने एटलिस्ट 10th क्लास टीए पास करवा आवश्यक जेकोसी रेकग्नइजड बोर्ड ताहले आपण माने कांस्टेबल पद पर आवेदन करेंगे। टोटल उपर कह गले जदि आपण माने कांस्टेबल पद पर आवेदन करछन ताहले 10th पास करथिबा आवश्यक, जदि आपण माने सब इन्स्पेक्टर पद पर आवेदन करछन प्लस थ्री टी करथिबा आवश्यक। दर्शक बंधु, यही पृष्ठ देख ना जदि आपण मैंने पदवीपाई आवेदन करते बयस सीमा कौन रहा आवश्यक। नोटिफिकेशन अनुसार बयस सीमा आपण जदि कांस्टेबल पदवीपाई आवेदन करते जदि साधारण वर्गर बिलंग करते आपणकर सर्वनिम्न बयस 18 एवं सर्वाधिक बयस 28 वर्ष होता आवश्यक। किंतु जदि आपण मैंने सब इन्स्पेक्टर पदवीपाई आवेदन करते आपण मानक सर्वनिम्न बयस 20 वर्ष एवं सर्वाधिक बयस 28 वर्ष रही आवश्यक। यह व्यतीत आपण जदि ओबीसी स्टूडेंट होती है 3 वर्ष बयस सीमा छाड़ रोचे, जदि एससी एससी पीडब्ल्यूडी किंवा एक्स सर्विसमैन होती है 5 वर्ष बयस सीमा आपण मैं छाड़ रोचे। दर्शक बंधु, आम जब सालरी मीटर कहते आपण मानक गोटे उत्तम सालरी जोगे दीजिए मासिक सालरी आरपीएफ रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस विषय जदि आम कह देखो कौन कौन सिलेक्शन प्रोसेस रही, कौन कौन स्टेज रही आपण मानक सिलेक्शन। दर्शक बंधु, फर्स्ट रे आपणकर सीबीटी टेस्ट रहुची, सेकंड रे आपणकर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थर्ड रे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फोर्थ रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ रे मेडिकल एग्जामिनेशन। एहिपरि 5टी स्टेप रे आपण मानकर सिलेक्शन प्रक्रिया रहुची। दर्शक बंधु, आपण माने प्रथम जानि नियंतु सीबीटी टेस्ट एग्जाम पैटर्न डाको। दर्शक बंधु, फर्स्ट रे आपणकर जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन आसीबो 50टी क्वेश्चन आसीबो 50 मार्क रो। सेकेंड रे आपणकर एरिथमेटिक आसुची 35टी क्वेश्चन आसीबो 35 मार्क रो। थर्ड रे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रो क्वेश्चन आसुची 35टी क्वेश्चन आसीबो 35 मार्क रो। तो टोटल भाबरे आपण मानकर 120टी क्वेश्चन आसुची 90 मिनिट रे आपण मानको
एग्जाम टी सर पड़ो आपर टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट माने 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपण माने आंसर देवाक हम दर्शक बंधु फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट एवं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पर आपण मानकर रनिंग लॉन्ग जंप आपणकर हाई जंप ये सब टेस्ट होबार व्यवस्था रही। दर्शक बंधु जब आरपीएफ रो पीईटी टेस्ट कांस्टेबल पर आपण माने देवाक चाहते आपण जदि मेल कैंडिडेट होती जदि पुरुष प्रार्थी होती ताहले आपण मानको 1600 मीटर रो रनिंग देवाक पड़ 5 मिनट 45 सेकेंड रे लॉन्ग जंप पर 14 फिट रो लॉन्ग जंप देवाक पड़ हाई जंप 4 फिट रो देवाक पड़ जदि आपण माने फीमेल कैंडिडेट कांस्टेबल पर आवेदन करछन्दि ताहले 800 मीटर को 3 मिनट 40 सेकेंड रे रनिंग करि पारथिबे लॉन्ग जंप 9 फिट रो दे पारथिबे हाई जंप 3 फिट रो दे पारथिबे। जदि आपण माने यूआर किंबा ओबीसी कैंडिडेट अछन्ति मेल प्रार्थी जदि होइथान्ति ताहले आपणकर हाइट 165 सेंटीमीटर रहबा आवश्यक एवं फीमेल कैंडिडेट होइथिले 157 सेंटीमीटर रहबा आवश्यक। चेस्ट आपण जदि मेल कैंडिडेट होइथान्ति 80 रु 85 सेंटीमीटर रहबा आवश्यक। जदि आपण माने एसटी किंबा एससी होइथान्ति ताहले आपणकर हाइट 160 मीटर मेल पर्सन पर हाँ आवश्यक 152 मीटर फीमेल पर्सन पर हाँ आवश्यक। जदि चेस्ट कथा कह केवल मेल मानकर 76.2 रु 81.2 मध्य रहा दरकार। आप्लिकेसन फी कह गले आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन अनुसार आपण मैं जदि जनरल कैंडिडेट होता आपण माना 500 टकर आप्लिकेसन फी रही। जदि आपने ओबीसी कैंडिडेट होता है मध्य आपण मानक 500 टका आप्लिकेसन फी रोचे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते 250 टका रोचे एस टी एस सी कैंडिडेट मान 250 टका रोचे यहपर भाव में आपंकर आप्लिकेसन फी रोचे। बंधु आपड़ जानते आपण मानक अनलाइन आवेदन करवाक पड़ो जदि आपलन आवेदन करण डकुमेंट आवश्यक हम देखो प्रथम आपंकर 10th सर्टिफिकेट और मार्कसीट 2nd प्लस 2 सर्टिफिकेट मार्कसीट 3rd ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और मार्कसीट 4th केस्ट सर्टिफिकेट आवश्यकता रोचे जहाँकि जाति प्रमाणपत्र केवल जेनराल होते किसी आवश्यक ना अदर केस्ट मानी जाति प्रमाणपत्र आवश्यकता रही आधार कार्ड आवश्यकता रही रेसीडेंटल सर्टिफिकेट 7th सिग्नेचर 8th सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो। दर्शक बंधु यही 8 डॉक्यूमेंट को रेडी करूँ एवं ऑनलाइन रे आवेदन करूँ। सब ये पुस्तक देखो आपण मानक इम्पोर्टेंट नोट कौन रही यार एप्लाय स्टार्ट 15 एप्रिल स्टार्ट हो 14 मे यार लास्ट डेट रही आपणकर अप्लाई परे एडमिट कार्ड आउ एग्जाम डेट रो डेट डिक्लेरेशन करा जिबो। आरपीएफ रिक्रुटमेंट 2024 इंपोर्टेंट नोट रही दर्शक बंधु जिते यार आप्लिकेसन को आपण मैंने फिलअप करयरफुली फिलअप करेंगे जेपर इनकम्प्लीट न रहे कि फल्स डाटा आपण मैंने न दिंते आप्लायर लास्ट डेट पूर्व आपण मानक दरखास्त जपर अथरीटिंग निकट में पहुँची जाए से प्रति टी दृष्टि देवे। दर्शक बंधु आरपीएफ रिक्रुटमेंट 2024 को आपण मैंने किपर अप्लाई करेंगे देखो जदि आपण मैंने इंटरेस्टेड रखुंट पदवीप आवेदन करने गूगल को जातु एवं सेठे सर्च करूँ नचे आपणकर सुविधापाई आप देखुवा भिडर तेज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यही जॉब रिलेटेड समस्त लिंक जोगाई दि जाएगी सेठार अप्लाई करें अप्लाई करने पूर्व ठीक रे भल भाव पढ़ात देन तापर अप्लाई करूँ जहाँ सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मगा जाए आपण मानक एंट्री करूँ 4th जिते रजिस्टरिंग करते जहाँ सब डॉक्यूमेंट देखा नोट करूँ 5th अपलोड करूँ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर को 6th जहाँ डिक्लेरेशन दि जाए अथॉरिटी द्वारा ताको आपण मैंने पढ़ु एवं एग्री हूँ 7th दि जाए आपण मानी आप्लिकेसन फी रही आपण मैंने फी पेमेंट करने को आप्लिकेसन फी को आपण माने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई नेट बैंकिंग साहाज्यरे ऑनलाइन पेमेंट करंतु एवं आपण मानको निहाती ऑनलाइन पेमेंट करबा को हबो काहेकि ना आपण मान पई फ्री ऑफ कॉस्ट नाही आपण फी देबा को पडुची 10th सबमिट बटन रे क्लिक करंतु। दर्शक बंधु आशा करछि वीडियो रे आपणकर बहुत उपकार रे लागिवो जदि किछि भी उपकार करि परछि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करंतु। दर्शक बंधु भिडियोटी एपर्यंत देखिवर आपको अशेष धन्यवाद पुणी देखा लाटेस्ट जब्स ओडिशार नुआ एक फ्रेश अध्याय नुआ एक निजुक्ति सूचना सहित से पर्यंत जय जगन्नाथ।